आलू छीलने नहीं आता और चले होटल मैनेजमेंट करने। ध्यान से देखिए इस शक्ल को, आपने इसे पहले दो एपिसोड में देखा ही होगा। यह है मिस्टर अजय। आज इसकी जिंदगी झंड हो चुकी है। सॉरी यार, आज ही नहीं, एक्चुअली जब से इन महाशय ने होटल मैनेजमेंट किया है तब से इनकी जिंदगी झंड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं आजकल ये वेटर क्या कर रहे हैं। ये है फकीर चंद। उप्स, इनका नाम फकीर चंद चाचा है। किसी ज़माने में ये फुल टाइम भिखारी की नौकरी किया करते थे, पर भीख के पैसों से रोटी ना खाकर एक लॉटरी का टिकट ज़रूर खरीदते, इसी आशा में कि भगवान किसी ना किसी दिन इन पे तरस खा के इन्हें कुछ ना कुछ दे ही देंगे। और आपने तो सुना ही होगा, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, और आखिर ऊपर वाले ने इनका फाड़ी दिया छप्पर। भगवान ने इन्हें पैसे तो दे दिए लेकिन इनकी बुद्धि छीन ली। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाय, अरे क्या हुआ अजय भाई? अरे यार आदर्श भाई, घर में चोर है यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ अबे देखते साले को, ये चलो देखो। अपने बिल्डिंग में चोर, इसकी तो माँ का साले को काटी डालेंगे रे आज। हाँ अरे ये अबे ये तो अपना फकीर चाचा है यार। अरे चाचा, तुमको शर्म नहीं आती क्या? खुद के घर में तुम चोरी करते हो। हाँ ना। इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? मैं तो बिल्ली के मुंह से चूहा चुरा लिया। अबे निकल। ए चाचा हाथ नहीं लगाना। चल निकल। ए चाचा हाथ नहीं लगाना। अरे चल निकल। चाचा तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझे क्या? नहीं तो चुपचाप चले जाना। ए चाचा, तो यार तुम कहाँ चले बेटा? अरे मैं छोड़ के आया ना। किसको? उनको। कहाँ जाने? गए वो, गए। तुम यहाँ? अरे बता, तुम देख रहे हो क्या? माना कि बेरोजगार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करता फिरूं। अब मैं धन की बात कर रहा हूँ, धन की। धन चाहिए आपको? हाँ धन चाहिए। हाँ तो लो। पैसे की बात करो, पैसे की। हाँ तो ऐसा बोलो ना चाचा, देता हूँ ना अगले महीने। कब देगा? अगले महीने की 32 तारीख को। अच्छा ठीक है, फिर आता हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। अबे लेकिन अगले महीने तो 28 का महीना है। अच्छा तो उसके अगले महीने? नहीं तो उसके अगले महीने, नहीं तो उसके अगले महीने तो मैं हुई ना चाचा, यहाँ से जा थोड़ी रहूं। अबे मेरे पैसे देता हूँ ना चाचा, मेरे पैसे। पैसे दे दे। अरे मेरे पैसे। यह है ब्यूटी। ना ना, इसकी शक्ल पे मत जाइए। एक्चुअली ये मोहतरमा का नाम ही ब्यूटी है। यह एक महान अदाकार, छोटे नवाब की असिस्टेंट है। ओ माय गॉड, यू आर सो हॉट। व्हाट? मेरा मतलब है दिस वेदर इज सो हॉट ना, गर्मी बहुत है ना आज। या मैन दैट्स ट्रू। अरे तो आओ ना अंदर, पिलाता हूँ। सॉरी व्हाट? नॉटी औरत हो बड़ी, सब डबल मीनिंग में लेती हो। मेरा मतलब तो अंदर आओ, पानी पियो या कोई कोल्ड ड्रिंक, यू नो जूस, जूस यू नो। हाँ पर क्या ये रूम 101 है? हाँ यही होगा, एक सेकंड। हाँ यही है।
क्या आप एक स्ट्रक्चरर हो? क्या स्ट्रक्चर? हाँ एकदम टकाटक 36-24 36 एकदम। What are you crazy? What I meant to say is मूर्तिकारी, get it? शिल्पकार। हाँ तो मैडम ऐसा बोलिए ना। हाँ पर ये क्या पक्का बीविंग रूम नंबर 101 है? अरे मैडम अभी तो बोला ना यही है। मैं एक्चुअली शिल्पकार दिन दिन शाह को ढूंढ रही हूँ। आप अंदर तो आइए ना। आइए आइए तो बाजू के बिल्डिंग के बीविंग में 101 में रहता है। अगर इसको पता चल गया तो ये तो हाथ से निकल जाएगी। एक काम करता हूँ, ये चचा को बकरा बना के हलाल कर देता हूँ और मैं ही बन जाता हूँ दिन दिन शाह। मैडम मैं भी आपका दिन दिन शाह। पर आप तो काफी यंग हो, मुझे तो बताया गया था कि दिन दिन शाह काफी ओल्ड है। याक। वो क्या है ना, कल ही मैंने पप्पू हेडाई की है। वो आपने सुना नहीं पप्पू हेडाई के बारे में? पप्पू हेडाई लगाइए और यंग हो जाइए। टंग टंग टडंग। नेवर माइंड। अरे वाह क्या मूर्ति बनाई है, एकदम रियल लग रही है। अरे एकदम रियल, एकदम जिंदा लाश लगता है। अभी अभी बना है, एकदम गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म। बस हाथ नहीं लगा ना। क्यों? अरे गरम है ना। I really like this piece of art. You have done an excellent work. Thank you. Yeah. I understand you. All right. तो मैं अभी छोटे नवाब सर को बुला लेती हूँ और इस मूर्ति की डील फाइनल कर देती हूँ। तो मैडम पेमेंट कैसे करोगे? कार्ड, कैश या चेक? What do you mean? अरे मेरा मतलब था चेक चेक। वो तो आपको मिस्टर छोटे नवाब सर ही आके बताएंगे। ये है नवाबों के नवाब, नवाबों के नवाब छोटे नवाब। इनके पास इनके परदादा का, दादा का, बाप का भर भर के पैसा रखा हुआ है, इसलिए ये उड़ा रहे हैं। वैसे इन्हें शौक ये है कि जगह जगह जाकर, शहर शहर जाके नए नए पुतले खरीदने का। तो आइए देखते हैं ये आगे क्या करते। माशाल्लाह इनके हाथों में क्या अदाकारी है। लगता है ऊपर वाले ने बड़ी शिद्दत से इन्हें इस हुनर से नवाजा है। हाँ आगे जाके दाएं मुड़िए, वही टॉयलेट का दरवाजा है। गुस्ताखी गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ सरकार। हमने तुम्हें माफ किया क्या? तुमने सुबह अपना पिछवाड़ा साफ किया? गुस्सा की मेरी तलवार कहाँ है सेनापति? तलवार भूल गए सरकार। तलवार भूल गए? गुस्सा की माफ सरकार, गुस्सा की माफ। ठीक है लेकिन मैं इस मूर्ति को पाक पानी से धोना चाहूंगा। पानी कौन डाला भाई? पानी कौन डाला? मिरेकल मिरेकल मिरेकल, पुतला जिंदा हो गया मिरेकल। गुस्सा की इस जुर्म में इसके तीनों हाथ काट दिए जाए। अबे हाथ तीन नहीं दो होते। सही कहा, दो हाथ और एक वो